नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका स्वागत है। परोपकार, चैरिटी। एक अमीर आदमी विभिन्न मंदिरों में जन कल्याण कार्यों के लिए धन देता था। विभिन्न उत्सव व त्योहार पर भी वह दिल खोलकर खर्च करता। शहर के लगभग सभी मंदिर उसके दिए दान से उत्कृष्ट थे, इसलिए लोग उसे काफी इज्जत देते थे। उस संपन्न व्यक्ति ने एक नियम बनाया रखा था कि वह प्रतिदिन मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाता था। दूसरे ओर एक निर्धन व्यक्ति था, नित्य तेल का दीपक जलाकर एक अंधेरी गली में रख देता था, जिससे लोगों को आने जाने में असुविधा न हो। संयोग से दोनों का मृत्यु एक ही दिन में हुआ। दोनों यमराज के पास साथ साथ पहुंचे। यमराज ने दोनों से उसके द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा पूछा। सारी बात सुनकर यमराज धनिक को निम्न श्रेणी और निर्धन को उच्च श्रेणी की सुख सुविधाएं दी। धनिक ने क्रोधित होकर पूछा, यह भेदभाव क्यों, जबकि मैंने आजीवन भगवान के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाया और उसने तेल का दीपक रखा, वह भी अंधेरी गली में, न कि भगवान के समक्ष। तब यमराज ने समझाया, पुण्य की महत्ता मूल्य के आधार पर नहीं, कर्म की उपयोगिता के आधार पर होती है। मंदिर तो पहले से ही प्रकाश युक्त था, जबकि इस निर्धन ने ऐसे स्थान पर दीपक जला कर रखा जिसका लाभ अंधेरे में जाने वाले लोगों को मिला। उपयोगिता इससे दीपक की अधिक रही। तुमने जो अपना पर लोग सुधारने के साथ से दीपक चलाया था। सार यह है कि ईश्वर के प्रति स्वहितार्थ प्रदर्शित भक्ति की अपेक्षा परहितार्थ कार्य करना अधिक पुण्यदायी होता है, और ऐसा करने वाला ही सही मायनों में पुण्यात्मा होता है, क्योंकि स्व से पर सदा वंदनीय होता है। उससे अतिरिक्त कुछ लोग सिर्फ मंदिर को ही भगवान का घर और विशेष आवरणधारियों को ही ईश्वर के निकटवर्ती मान लेते हैं, जबकि इतनी बड़ी दुनिया बनाने वाले का सिर्फ मंदिर में समेट देना उचित नहीं है। मंदिर पूजा गृह है जहाँ हम अपने अंतवासी भगवान से मिलते हैं। अंतह मंदिर में दिया स्वयं को दिया हो जाता है, पर भगवान कण कण वासी है। उनकी सेवा के लिए मंदिर के बाहर आना होगा और जीव मात्र चर अचर जगत की सेवा और सत्कार का भाव तन मन में जगाना होगा। जय गुरुदेव।